सो गाइस आज की इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले अपने नॉर्मल फ्री फायर के बारे में। जैसे गाइस आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैंने अपने फोन के अंदर नॉर्मल फ्री फायर को यहाँ पे अपडेट कर लिया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर गाइस आप लोग भी अपने नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। जैसे कि आप लोग खुद स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल फ्री फायर है, प्लस यहाँ पे फ्री फायर एडवांस सब है, प्लस आपको फ्री फायर मैक्स भी गाइस आप लोग को यहाँ पे देखो मिल जाता है। मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को अपडेट कर लिया, और मैंने कहाँ से अपडेट किया, कैसे अपडेट किया, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को सिर्फ स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले जितने बंदे चैनल पे नहीं पहली बार हो, चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, जैसे मैं फ्री फायर को ओपन करता हूं, तो यहां पे आप लोग पहले प्रूफ देख लो कि यहां पे मेरा जो नॉर्मल फ्री फायर ही है ना, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और देखो यहां पे अगर आप लोगों को ओबी का फाइल का अगर इशू आएगा ना, तो यहां पे आप लोग वेट करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैंने ओबी का फाइल के लिए वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का ये नॉर्मल फ्री फायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओबी का फाइल इसका डाउनलोड ले रहा है, जो गंदा फ्री फायर खेलता होगा उसको पता है कि ओबी फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कहाँ से कर पाओगे, चलो आपको ये बता देता हूँ। तो देखो नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करने या फिर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अपने फोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है गेम्स कंसोल। किस टाइप से सर्च करना है, यहाँ पे देखो जिस टाइप से मैंने लिखा है गेम्स कंसोल, ठीक है, आपको भी इसी टाइप से गेम कंसोल लिखना है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा गेम कंसोल नाम से, इस वाली वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेना। अगर गाइस आप लोग को सर्च करने पे ये वेबसाइट नहीं आता है तो आप लोगों को करना क्या कि वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद गाइस आप लोग को पहले फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे एक मिलेगा BIT लिंक, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बस इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस वाले लिंक पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने सेम वही वेबसाइट ओपन हो जाएगा जिस वेबसाइट को आप लोगों ने सर्च किया था। सिंपल इस वाली वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेना। जैसे वेबसाइट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप लोगों को ऊपर के साइड में कोई भी ऐड आएगा तो एक बार ऐड पे क्लिक कर देना। ऐड पे क्लिक करने के बाद कैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करना है, सर्च क्या करना है, फ्री फायर ओबी फोर्टी लिख के सर्च करना है। जैसे आप लोग ओबी फोर्टी लिख के सर्च करोगे आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिलेगा, इस वाले पोस्ट पे क्लिक कर देना। इस वाले पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स पे आ जाएगा। उसके बाद कैसे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड आने के बाद देखो यहाँ पे फ्री फायर मैच को अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग फ्री फायर मैच को भी अपडेट कर पाओगे। बाकी अगर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग नीचे आना और यहाँ पे देखो फ्री फायर ओबी फोर्टी अपडेट और डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते हैं, फिर 30 सेकंड का टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बस आप लोग को यहाँ पे 30 सेकंड तक वेट कर लेना है। जैसे गाइस आप लोग 30 सेकंड तक यहाँ पे वेट करोगे, आप लोगों के फ़ोन के अंदर नॉर्मल फ्री फायर अपडेट हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 30 सेकंड तक आप लोग रुकना, 30 सेकंड तक जैसे कैसे आप लोग रुकोगे, आप लोगों को यहाँ पे एक मीडिया फाइल मिलेगा या फिर टेलीग्राम फाइल मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी देखो अभी हम लोगों ने खुद अभी प्रोवाइड कराया है, बट आप लोग को अभी आप लोग को आगे दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखो 30 सेकंड का टाइमिंग चलेगा, बस 30 सेकंड आप लोग को यहाँ पे वेट करना है। 30 सेकंड तक यहाँ पे वेट करने के बाद देखो आपके सामने कुछ न्यू पेज ओपन होगा, जो कि कुछ स्टेप्स गाइस आपसे देखो मिल जाएगा। और अगर आपके फोन के अंदर टेलीग्राम होगा तो आप लोग को सीधे टेलीग्राम पर लेके आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम के अंदर इस फाइल को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट कर लेना, ठीक है, अगर आपके फोन के अंदर स्टेप्स ऑप्शन आता है तो। अगर गाइस देखो अगर आप लोग ऐसे आएगा तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग के फोन के अंदर टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग का फोन के अंदर एक्चुअली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स से आप लोग अपने फोन के अंदर नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद इसको गाइस आप लोग ओपन करना। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे आप लोग को ओबी फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सिंपल आप लोग ओबी फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी आप लोग को वेबसाइट के अंदर भी ओबी फाइल मिल जाएगा, और उसके बारे में वीडियो बना के भी डाल दिया कैसे ओबी फाइल को अपने फोन के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी जितना भी कुछ था सबको मैंने वीडियो अंदर आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब भी कर देना। चलो गाइस आज के इस वीडियो अंदर मिले और वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, चैन वंदे मातरम।